वो हिंदू हो मुस्लिम इससे फर्क नहीं पड़ता अगर वो गलत है तो उसके साथ पूरी कार्यवाही करिए अपने साथ साथ अपना घर भी संभाल रही है अपनी जॉब के साथ साथ तो फ्रीडम तो आई है जो तो बूढ़ी बूढ़ी को तो मोबाइल दे रही वो चलाना नहीं जानती फिर वो किसी को भेज रही तो उनसे क्या मतलब है हेलो मैं हूँ विकास और मैं हूँ हम आ गए हैं राजस्थान के बूंदी में और बूंदी की क्या हवा है भाई यार इस हवा में सियासत कितनी घुली है यही जानेंगे हम यहाँ के स्टूडेंट से तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत शुरू करिए क्या आपको पता है कि अभी राज्य में असेंबली चुनाव होने वाले हैं है तो आप उसके हिसाब से विधायक के हिसाब से मुख्यमंत्री के हिसाब से क्या सोचते हैं उस दिशा में? तो अगर आप विधायक की बात करते हो तो मैं ये तो मैं ऐसा विधायक चुनूंगी जो हमारे जो हमारा जिला है उसके विकास के लिए कार्य करे यहाँ के जो गंदे रोड है सड़क है उसकी उसकी मरम्मत करवाए जगह जगह स्वच्छता केंद्र स्थापित करे ताकि यहाँ पे स्वच्छता बनी रहे तथा तो इसे एक विकसित जिला बनाए और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे प्राकृतिक जैसे कि बाग बगीचे हैं उनकी स्थापना करें अधिक से अधिक पेड़ लगाए ताकि जिले की प्राकृतिक सुंदरता सौंदर्यता बनी रहे, बरकरार रहे यहाँ पे पर्यटक आए बूंदी का आपका एक्सपीरियंस कैसा है बताइए बूंदी बावड़ियों की नगरी बावड़ियों की सिटी बोला जाता है बूंदी को लेकिन यहाँ पे बावड़ियों की स्थिति वैसी दिखती नहीं है बावड़ी पहले बताएंगे बावड़ी होती क्या है एक बार हमारे दर्शकों को बताए बावड़ी एक गहरा तालाब होता है जिसमें सीढ़ियाँ लगी होती है पानी निकालने के लिए पुराने ज़माने में पानी इन्हीं से निकाला जाता था पीने के लिए भी क्योंकि राजस्थान में जल की बहुत कमी है यहाँ की जलवायु ऐसी है कि यहाँ पे वर्षा ही नहीं होती इसलिए बावड़ियाँ बनाई गई ताकि जल संचित करके उनका उपयोग किया जा सके बाद में आप ये बताइए कि रील्स बनाती हैं आप जी नहीं रील्स देखती हैं हाँ देखते हैं फेवरेट रील बताइए अपनी जी जोक्स या फिर जोक से देखते हैं अच्छा, अपनी दिनचर्या बताइए आप जब सुबह कितने बजे उठती हैं कॉलेज आती हैं उसके बाद क्या करती हैं मैं सुबह पाँच बजे उठ जाते हैं फिर उसके बाद चाय वगैरह जो भी है घर का वो करते हैं फिर ऐसे मतलब नौ बजे करीब साढ़े नौ बजे मैं घर से निकलती हूँ कॉलेज जाती हूँ कम से कम लगभग दो बजे निकल जाती हूँ यहाँ से घर जाने के बाद थोड़ी देर आराम करके चाय वगैरह बना के और फिर घर जाते हैं घर जाने के बाद चाय बना के और फिर वापस रनिंग रनिंग बजे के लिए निकल जाते हैं है, है। है, मैं मतलब अच्छा है फिर, है, फिर क्या करती हैं फिर उसके बाद थोड़ी देर मम्मी की हेल्प करती हूँ और फिर करके और फिर आराम करती हूँ बाद ये बताइए आप सुबह कितने बजे उठते हैं सुबह आठ नौ बजे और उसके बाद क्या करते हैं अपनी पूरा दिन दिन का दिन का बताइए। को ले थोड़ी बहुत पढ़ाई करके विस्तार से, से अभी तो बिगड़ा हुआ ए, पूरा <laughs> <क्या बतागी laughs> आप है आप बताइए आपका क्या शेड्यूल रहता है पूरे दिन का शेड्यूल तो ऐसा है कि सुबह छह बजे उठते हैं और नहाते धोते हैं नहाने धोने के बाद मैं फिर क्या नाम पूजा वगैरह की उठते बाद में फिर खेतों में जाते हैं चारा वगैरह लेके आए गाय के लिए फिर उठते हैं फिर यहाँ कॉलेज जा आ जा जाते हैं क्लासेस वगैरह अटेंड की फिर थोड़ा बहुत गेड़ी काटी यार दोस्तों के साथ थड़ी पे बैठे फिर उसके बाद में वापस घर चल जाते हैं और शाम का फिर वही खाना पीना सोना क्या आपको लगता है कि जैसे आपने बोला गेड़ी काटते हैं थोड़ा इंजॉय करते हैं आपको लगता है कि लड़कियाँ उस तरह से घूम पाती हैं इन्जॉय कर पाती हैं अपनी दोस्तों के साथ ये थोड़ा बैकवर्ड इलाका है तो यहाँ पर मतलब इतना पॉसिबल है नहीं अगर आप बात करो बड़े शहरों की तो वहाँ पे मैंने तो देखा है लड़कियाँ सिगरेट भी पीती हैं घूमती हैं इन्जॉय करती हैं और यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे लड़कियाँ मतलब थोड़ा सा वो बंदेज टाइप जिसको आप देख सकते हो तो वो बंदिश क्यों है आपको क्या लगता है किस वजह से है वो बंदिश तो सर इसका तो यूँ है कि घर वाले इनको छोड़ते नहीं हैं और थोड़ा सा यूँ है कि एरिया वाइज़ फ़र्क इस वजह से पड़ जाता है क्योंकि पुराने फ्रीडम फ्रीडम इस वजह से नहीं है ना क्योंकि पुराने टाइम से चले आ रहा है यहाँ पे मतलब लेडीज़ों को बाहर जा आने जाने में रोक टोक है परमिशन लेनी पड़ती है बचपन से यही सिखाया जाता है घूंघट में रहना है बस ये चीज़ें हैं तो आपको लगता है कि इन सब को थोड़े इन सब में थोड़ा सा संशोधन करने की ज़रूरत है वक्त को देखते जी बिल्कुल संशोधन करने की ज़रूरत है बिल्कुल अगर इनको फ्रीडम दिलाया जाए और इनको सिखाया जाए बचपन से सिखाया जाए कि तुम सब कुछ कर सकती हो तो इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो विदित अब ये जानते हैं कि जैसे इन्होंने बात करी कि अगर कुछ सुधार किए जाए तो थोड़ा सा फ्रीडम मिलेगा आपको लगता है कि यहाँ फ्रीडम दी जा रही है आपको हाँ पहले जैसे जैसा कि पहले की प्राचीन के प्राचीन टाइम की अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम पे गर्ल्स को इतनी फ्रीडम नहीं थी बट धीरे धीरे चेंज तो आया है जैसे एजुकेशन में देख लो पहले गर्ल्स को एजुकेशन में जाने नहीं दिया जाता था बट अब गर्ल्स हर तो फील्ड में वो एरोप्लेन चला रही है जेट चला रही है ऑटो रिक्शा चला रही है कुछ सब कुछ पॉसिबल है उनके लिए वो सब कुछ कर रही है इंजीनियर है वो एक तरह से एक सेल्फ डिपेंड वूमेन की तरह जो अपना रोल जैसे बॉयज़ प्ले करते हैं गर्ल्स भी प्ले कर रही है इनफैक्ट वो बॉयज से ज़्यादा कर रही है क्योंकि वो अपने साथ साथ अपना घर भी संभाल रही है अपनी जॉब के साथ साथ तो फ्रीडम तो आई है कॉलेज में आने के लिए और जाने के लिए कितना टाइम लग जाता है अमूमन सर हमारी दस बजे क्लास होती है और हमें घर से आठ बजे निकलना पड़ता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है बसें हमारे वहाँ रुकती नहीं है और जीप पता नहीं कब आए कोई सिस्टम ही नहीं है जीप का तो कभी भी आ जाती है तो आठ बजे निकलते हैं तो हम कभी तो यहाँ पे दस बजे पहुँचते हैं दस बजे के बाद भी पहुँचते हैं आपके मन में कभी ख्याल आया कि हम भी यहाँ बूंदी से बाहर जाएं किसी दिल्ली जयपुर के कॉलेज में पढ़ाई करें कभी ऐसा मन में ख्याल आया हाँ तो फिर आप क्या वजह रही कि नहीं जा पाएंगे सर मैंने वहाँ से करी स्टार्टिंग पढ़ाई की लेकिन अब मैं यहाँ पे आई बिकॉज मेरी फैमिली इधर रहती है पर अब मैं वापस वहाँ जाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ पे अच्छी एडुकेशन मिलती है वहाँ के बजाय यहाँ वहाँ यहाँ के बजाय वहाँ पर तो उसमें वहाँ पहुँचने की राह में क्या कुछ बंदिशें हैं कुछ रुकावटें हैं वहाँ तक जाने के बिकॉज फैमिली फैमिली चाहती है कि भाई यहाँ से करो तो अब चुनाव होने वाले हैं तो आप चाहती हैं कि जो सरकार चुन के आए वो यहाँ बूंदी के कॉलेज का थोड़ा बहुत विकास करे कि सामना आपको करना पड़ता इस मतलब है तो इसलिए मोस्टली ये ऐसा क्यों है मतलब जब भी हम बात करते हैं कि लड़के एक तरफ चले जाते हैं और लड़कियाँ एक तरफ जाती हैं बताइए आप बताइए

इसी सर सरकार का समर्थक हूँ क्योंकि जो मुझे दिख रहा है मतलब एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जब चुनाव होते हैं तो अगर सरकार बदलती है तो जो पुरानी कार्य पुरानी जो कार्यकाल समिति होती है जो पुराना जो सरकार होती है उसके जो नए जो अच्छे कार्य होते हैं वो भी तुरंत बंद कर दिए जाते हैं और जो नई सरकार सिरे से वापस अलग शुरुआत करती है तो इस तरह से मतलब जो विकास होना चाहिए उसकी दर नीचे गिरती जाती है धर्म को लेकर काफ़ी राजनीति होती है आपके हिसाब से धर्म क्या है जो आपसे अलग ना कर जा करी जा सके वो धर्म होती है तो हमारा जो धर्म है वो सेवा है हम ये मानते हैं हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र से कुछ नहीं होता बात होती है मतलब राष्ट्र किसी का भी ऐसा नहीं है कि हिंदू अच्छे हैं या मुसलम सिर्फ मुसलमान बुरे हैं ये धर्म इसमें धर्म नहीं आना चाहिए अगर कोई गलत है तो उसका धर्म नहीं देखना चाहिए वो हिंदू और मुस्लिम इससे फर्क नहीं पड़ता अगर वो गलत है तो उसके साथ पूरी कार्रवाई करिए आपके क्या इशूज हैं और आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से देखो सरकार से मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगा पर अभी जो बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं को मोबाइल दे रहे हैं लड़कियों को मोबाइल दे रहे हैं तो लड़कियों को तो चलो अच्छा है पर जो बूढ़ी बूढ़ी औरतों को मोबाइल दे रही है वो चलाना नहीं जानती फिर वो किसी को भेज रही तो उनसे क्या मतलब है छात्रों को मोबाइल दो दोनों उनके यूज में आए तो आप आप बूढ़ी बूढ़ी औरतों को जाके आप समझा दें आप सिखाएं आपको नहीं लगता कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे उन्होंने आपको चलना सिखाया खाना पीना सिखाया वैसे आपको भी उनको सिखाना चाहिए इंग्लिश में चलता है उनको इंग्लिश आती नहीं हिंदी में चले हिंदी आती नहीं आज वो पिछेतर अस्सी वर्ष की महिलाएं उनको मोबाइल दे रहे क्या मतलब है आप ही बताइए पर ये अच्छा नहीं लगता कि दादी से कहीं दूर बैठी हो उनसे वीडियो कॉल पे बात करें उनके पास भी दादी चला नहीं सकती ना मोबाइल कहावत है ना सीखने की कोई उम्र नहीं होती है ना तुम तो पढ़ते भी हो और स्टूडेंट भी हो तो अगर उसे आप अमल में लाएंगे तो कितनी सुनी है मेरी बात हमारे मोहल्ले में थी एक महिला अब उसने बेच दिया उसका मोबाइल चलाना नहीं आता क्या करे की पेड़ उसे काम चल जाता आपके सामने भी कहा आपने बोला कि नहीं आंटी मैं सिखाता हूँ आपको आप मत बेचो स्कूल के कॉलेज के बाद आपको जाकर उन्हें कहना चाहिए चलना नहीं आता अच्छे से और वो चलाएगी मोबाइल जा, अभी जाकर तेरे बात से शिकायत करती